वो जंगे जो सिर्फ एक वादे के लिए लड़ी गई। वादा था हिफाजत यानी सुरक्षा का। बोट वॉकर प्रेजेंट, कहानी और किरदार के आज तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्राण सिर्फ एक वादे के लिए दिए। वादा था जिसे वो अपना धर्म समझते थे। आज जहाँ धर्म के नाम पर स्वार्थ फैला हुआ है लोगों के मन में, वही वो विरले योद्धा अपनी जान भी देने से नहीं हिचकते थे। मारवाड़ जहाँ न के बराबर बरसात होती थी, इंसान तो जैसे तैसे अपना भरण पोषण कर लेते थे, लेकिन मुश्किल जानवरों के लिए होती थी। ऐसे में राजस्थान के ग्वाले रबारी जिन्हें हम रायका भी कहते हैं, वो अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो आज भी जाते हैं। लेकिन आज तो सुरक्षा के लिए पुलिस है, कानून है, पर उस जमाने में सिर्फ गांव का ठाकुर और वही अदालत होता था। ग्वाले जिनके साथ गाय, बैल, बकरी या दूसरे जानवर भी होते थे, जिस जिस भी गांव में जाते वहां के ठाकुर से पहले मिलते और उस गांव के जंगल में अपने जानवरों को चराने की इजाजत के साथ साथ अपनी व जानवरों की सुरक्षा का भी वादा लेते थे। जैसा कि हमें मालूम है कि दुनिया में बुरे लोगों की कमी न पहले थी न आज है, इसलिए गांव के ठाकुर अपने संत विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ खुद पूरे गांव व जंगल में ग्वालों के व जानवरों का पहरा देते। जब कभी भी डाकू लुटेरे गायों व जानवरों को चुराने आते पहरा देता अपने वादे के मुताबिक ठाकुर जो अपने आश्रय में आए की हिफाजत के लिए जान देने व जान लेने के लिए अपने हिफाजत के वादे के साथ डाकू के सामने खड़ा मिलता। एक जंग जो सिर्फ एक वादे के लिए होती, वो गुमनाम रात के श्या अंधेरों में लड़ी जाती। गुमनाम इसलिए क्योंकि इन जंगों को कोई नाम नहीं मिला। कई बार इस लड़ाई में डाकू मारे जाते तो कई बार ठाकुर शहीद हो जाते। तो ठाकुरों के शहीद होने पर उसी जगह रबारियों यानी ग्वालों द्वारा उनकी याद में उसी जगह पर घोड़े पर सवार मूर्ति रख दी जाती थी, जिन्हें हम आज भी मामा जी के घोड़े कहते हैं। आज जहाँ घोड़े बनाने वाले तो प्रसिद्ध है, लेकिन क्यों ये जंगलों में हमें नजर आते हैं ये हमें पता ही नहीं है। मेरी कहानी सुनाने का ये मकसद था कि जब भी आप मामा जी के घोड़े दिखे, आप उन्हें याद रखें। क्यों घर से दूर इन वीरान जंगलों में इन्होंने अपनी जान दी एक वादे के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी वादे के साथ आपसे इजाजत लूंगा। सासों ने वफा की तो फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।